फिल्म्स में हम सूर्य हो रहा, आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। आज मैं बात करने वाला हूं आप लोगों से हाउसफुल के बारे में और सात दिनों के कलेक्शन के बारे में आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले ट्रेड की बात करूंगा, ट्रेड फिल्म के ट्रेड का जो कलेक्शन है काफी अच्छा आया है। पहले दिन 18.850 करोड़ का कलेक्शन था, दूसरे दिन 18 करोड़ का, तीसरे दिन 14.25 करोड़ का, चौथे दिन 34.25 करोड़ का, पांचवें दिन 24 करोड़ की इसने कमाई की यानी कि 24 करोड़ की। और वेनसडे को इसका कलेक्शन था छठे दिन 15.50 करोड़ यानी 15.50 करोड़। और इसका थर्सडे को जो कलेक्शन आया वो 12.75 करोड़ आया यानी कि जो रात को एस्टिमेट्स बताए थे वो 13.5 करोड़ के आसपास था, लेकिन फाइनल जो कलेक्शन आया ट्रेड का वो 12.75 करोड़ है यानी कि 13.25 करोड़। जो कलेक्शन का सात दिन में हुआ है 137.25 करोड़ यानी कि 137 करोड़ इस फिल्म ऑलरेडी कमाई कर ली है। अगर बात करें प्रोड्यूसर्स फिगर की तो प्रोड्यूसर्स में 19.08 करोड़ फर्स्ट डे कलेक्शन था, सेकेंड डे 18.81 करोड़ था, तीसरे दिन 15.33 करोड़ था 15 करोड़ के ऊपर, चौथे दिन 34.56 करोड़ का था 34.5 करोड़, पांचवें दिन 24.04 करोड़ तक का कलेक्शन था यानी 24 करोड़ के ऊपर, छठे दिन 16.35 करोड़ का कलेक्शन था और 16.35 करोड़ के बाद इसका छह दिन का टोटल हुआ था 128.17 करोड़, 128 करोड़। और सातवें इसने कमाई जो की है वो 13.14 करोड़ की है यानी 13.14 करोड़, और इसका टोटल हो चुका है 141.31 करोड़ यानी कि ट्रेड और प्रोड्यूसर्स में जो डिफरेंस है वो लगभग 4 करोड़ के आसपास नजर आ रहा है। बहुत ही बड़ा डिफरेंस नहीं है लेकिन हाँ कलेक्शन काफी अच्छे हुए हैं, तो 141.31 करोड़ इसने कमाई की है और मैं प्रेडिक्शन जो 12 से 14 करोड़ के बीच में था वो पूरी तरह से सही हुआ है। अब देखते हैं यहाँ से फिल्म कहाँ तक जाती है, लेकिन इतना साफ है फिल्म बहुत ही स्ट्रॉन्ग रन में है और फिल्म का सेकेंड वीकेंड बहुत ज्यादा डिसाइड करेगा कि इसका 200 की जो राह है वो कितनी आसान है कितनी मुश्किल होती है। बट फॉर मी इट्स डेफिनेटली क्रॉसिंग 200 करोड़, ये मैं अभी से बोल दे रहा हूँ। चलिए फिलहाल कितना ही।